फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज का वीडियो क्या होगा शायद आप लोग समझ गए होंगे ये सारा सामान देख के। तो मेरा तो सारा प्लान पानी में चला गया बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सबका प्लान भी पानी में चला जाए और इसको अच्छे से प्लान कीजिए, क्योंकि मेरा अप्रैल फर्स्ट वीक में एक राइड था टू सिक्किम एंड डुअर्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उसके लिए मैं बहुत सारा शॉपिंग भी कर लिया था। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ जितना भी मेरा जो ग्रुप है सबको ही बहुत सारा शॉपिंग किया था, लेकिन सारा प्लान फिलहाल पानी में चला गया। तो लेकिन आप लोगों के लिए पानी में कुछ नहीं गया, क्योंकि मैं आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मेरा इस वीडियो के ज़रिए में। और लॉन्ग राइड के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होता है और मेरे पास क्या क्या है और कहाँ से क्या सामान ख़रीदा गया है और उसका कितना प्राइस है, तो मैं सारा एस्टीमेट आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मेरा वीडियो फॉरवर्ड ना करके शुरू से एंड तक देखिए और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा चीज़ लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा वीडियो। चलिए तो क्या क्या है एक एक करके शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? ओके, सो हेलमेट से शुरू करते हैं। मेरे पास दो हेलमेट है क्योंकि मेरे साथ मेरा पिलियन जो कि मेरा वाइफ, हम दोनों एक साथ ही चलते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग एक ही साथ चलते हैं। तो दो हेलमेट है, एक हेलमेट है मेरा वाइफ का ये वाला एंड दिस इज़ माय हेलमेट जो कि एकदम रिसेंटली परचेज है, रॉयल एनफील्ड का ही है। और ये है स्टड्स का हेलमेट, इसका प्राइस है 1795। और ये रॉयल एनफील्ड का जो हेलमेट है एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये ग्राफिक्स है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स तो नहीं है लेकिन एकदम प्लेन में है और मुझे काफ़ी पसंद आया था। इसका प्राइस है 3700। ओके, हेलमेट हो गया। अब आता हूँ ग्लव्स में। एक मेरे पास ये है स्कॉपियो का ग्लव्स है जो कि इसका प्राइस लिया था 550 रुपीज़। और मेरा वाइफ का जो है मेरा पिलियन का ये प्रोवाइकर का एक ग्लव्स है जो कि बहुत सस्ता है, इसका प्राइस था ₹350। इसके बाद आता हूँ आर्म्स गार्ड, ये नी गार्ड है और एक ये है एल्बो गार्ड जिसका 4 का पेयर आता है, 2 नी गार्ड और 2 एल्बो गार्ड। ये सेट का प्राइस लिया था 950 जो कि मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा क्योंकि ऑनलाइन में इसका 1100, 1200, 1300 ऐसा दिखाता है प्राइस। तो ये दोनों के लिए ही है, नी गार्ड और एल्बो गार्ड। ये है सैडल बैग जिसका मैं अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू वीडियो दिया था पहले ही, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसका प्राइस पड़ा था 3500 जो कि आपको अमेज़न से भी मिल सकता है और आपको राइनॉक्स का जो वेबसाइट है उसमें भी मिल सकता है। दिस इज़ कॉल्ड एयर सीट, ये पिलियन राइडर के लिए है जो कि आप देख सकते हैं कि क्योंकि मेरा रॉयल एनफील्ड का 350 है और उसका पीछे जो पिलियन सीट है वो बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर में बना हुआ है। तो ये पिलियन के लिए है। वैसे फ्रंट मतलब सामने जो बैठता है राइडर के लिए भी एक आता है, लेकिन वो मैं नहीं ख़रीदा था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन पिलियन के लिए पीछे इतना देर बैठ के जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं सिर्फ पिलियन के ही लिए ख़रीदा था। ओ सॉरी, एक्चुअली आई मिस टू शेयर द प्राइस ऑफ दिस एयर सीट। इसका प्राइस था, मुझे पड़ा था 1900 फ्रॉम अमेज़न। ये गोल्डन राइडर्स का एक पाउच बैग है जो कि आप टैंक में भी लगा सकते हैं, और ये जो हुक है इसमें आप बेल्ट के साथ लगा के अपना वेस्ट के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इसका प्राइस पड़ा था 1500। ये क्या चीज़ के लिए है? इसमें आप गाड़ी के पेपर्स, आपका मोबाइल, पार्ट्स वगैरह ये सब कुछ रख सकते हैं जो कि सामने आपके पास टैंक में रहेगा, तो सुविधा होगा कहीं पे भी निकलने का ज़रूरत पड़ा तो आप आसानी से निकल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड मोबाइल फ़ोन गिम्बल। ये ओस्मो DJI कंपनी का है, DJI ओस्मो, जिसका प्राइस है करीब मुझे पड़ा था 10,000 अमेजोन से। ये मेरा DSLR है जो कि काफ़ी पुराना है, कैनन 1100D, और जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये SJCam का एक एक्शन कैमरा है जिसका प्राइस था 4500। और ये है रॉयल एनफील्ड का एक क्लच केबल जो कि स्पेयर पार्ट्स है और ये जेन्युइन है, और इसका प्राइस जैसे कि आप देख पा रहे हो 97। ठीक है, तो इतना ही सारा अभी मेरे पास सामान है जो मैं ख़रीदा था फॉर माय लॉन्ग ट्रिप टू सिक्किम फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जितना भी सामान रखा हुआ है, आई मीन दिस इज़ नॉट लिमिटेड, आप इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी जो मिसिंग है वो है बांजी कॉर्ड जो कि मेरा गैराज में रखा हुआ है। बांजी कॉर्ड में आप लगेज को बांध सकते हैं अच्छे से, तो 3-4 पीस बांजी कॉर्ड आपको ख़रीदना होगा जो कि अच्छा क्वालिटी का जो आता है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो है 150 रुपीज़ ईच, तो वैसा अगर 2-3 आपके पास रहेगा तो आपका सुविधा होगा लगेज बांधने में। और ये तो है, ये जो है ये तो नी गार्ड और एल्बो गार्ड हो गया, लेकिन मेरे पास जैकेट नहीं है इसीलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, जैकेट और ट्राउज़र। तो आपके पास अगर राइडिंग गियर्स फुल्ली अवेलेबल है, आपके पास अगर ट्राउज़र और जैकेट है तो आपको इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं इसीलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ठीक है, मतलब 500-700 किलोमीटर राइड के लिए ये ठीक है। लेकिन बहुत दूर जाना है जैसे ले और लद्दाख हो गया, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि यू शुड बाई द प्रोटेक्टिव गियर्स लाइक जैकेट एंड ट्राउजर्स एंड शूज़ ऑल्सो। तो फ़िलहाल यही है, और मैं इसका प्राइस तो एक एक करके बता दिया, आप कहीं पे नोट डाउन करके एक बार देख लेते हैं कि इसका टोटल जो है कितना आ रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, चलिए तो एक एक करके देखते हैं कि किसका कितना प्राइस हुआ। तो हेलमेट का, एक हेलमेट का है 1795, उसके बाद दूसरा जो रॉयल एनफील्ड, ये स्टड्स का हेलमेट का है, दूसरा जो हेलमेट है उसका है 3700, 2 हेलमेट हो गया। ग्लव्स में चलते हैं, ग्लव्स का, एक ग्लव्स का है 550 और दूसरा ग्लव्स का है 350, और फिर दो जो गियर्स है नी गार्ड और एल्बो गार्ड उसका 950 ईच, 950 ईच मतलब 2 का हो रहा है 1900 हो गया। क्लच केबल का 97, एयर सीट का 1950 ऐसा कुछ है। ओके, सैडल बैग का है 3499, गिम्बल का हो रहा है 10,000, पाउच बैग का हो रहा है 1,500, एक्शन कैमरा का हो रहा है 4500, DSLR का मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, DSLR का मेरा मुझे वैसे भी गिफ्ट में मिला था तो मैं नहीं पकड़ रहा हूँ उसको। और जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे पास एक्शन कैमरा जिसका मैं 4500 बोला, उसके साथ मेरे पास एक गोरिल्ला पॉड भी है जिसका प्राइस है 650 रुपीज़। अब इसका टोटल करते हैं, अब देखते हैं कि कितना है। ओके, 1795 प्लस 3700 प्लस 550 प्लस 350 प्लस 1900 प्लस 97 प्लस 1950 प्लस 3499 प्लस 10,000 प्लस 1500 प्लस 4500 plus 650 जो कि आ रहा है 30,491 राउंडेड ऑफ 31,000। तो मेरे पास इतना पैसा का सामान है जो कि मैं एक दिन में नहीं खरीदा, काफ़ी दिन लगा ये सब खरीदने में, और मैं उतना रिच भी नहीं हूँ कि सारा चीज़ एक ही एकदम कैश में सारा कुछ खरीदूँ। मेरा EMI भी चलता रहता है बाकायदा, और ये सारा सामान मैं बहुत दिन टाइम लगा खरीदने में, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी मैं वो जैकेट और ट्राउज़र भी लेने वाला हूँ। पता नहीं कितना जल्दी ले सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा, क्योंकि जैकेट का भी बहुत दिन से शौक़ है, और मुझे राइनॉक्स का राइडिंग गियर्स बहुत पसंद है। राइनॉक्स का जैकेट काफ़ी अच्छा है, तो राइनॉक्स ही लेने वाला हूँ। और इसमें और शायद मुझे लग रहा है 10-15,000 ऐड हो जाएगा लॉन्ग राइड के लिए सामान खरीदते खरीदते। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक लॉन्ग राइड में बाइक लेके इतना दूर जाऊंगा, ये जो रास्ते में जो खर्चा होगा, पेट्रोल है वो तो अलग ही है, प्लस इसका एक अलग खर्चा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना जल्दी हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नया चैनल है, उतना ज़्यादा वीडियोस भी अभी तक मैं अपलोड नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जो भी मैं करता रहता हूं बाइक के लिए, जो भी मैं जितना भी सामान खरीदता रहता हूँ आपसे शेयर करूँगा, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नया कुछ लेके, और मैं सोचता हूँ, और आप लोगों के पास भी अगर कुछ आइडिया है कि इसको लेके वीडियो बनाना चाहिए आपको, तो मुझे प्लीज़ बताइए। और मैं और एक बार मेंशन कर देता हूँ, मेरे पास बुलेट 350 है ABS, जो कि 2019 में परचेस किया गया है, BS4 मॉडल। तो इसके रिगार्डिंग भी मेरे जितने नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूँगा, और अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर और कुछ दूसरा वीडियो बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी कंसर्न्स आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।